जय श्री राम। ज्येष्ठ महीने में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण की प्रगति की एक और वीडियो जारी की है। इस वीडियो में मंदिर निर्माण के अब तक की प्रगति और कार्य करते तकनीकी विशेषज्ञ दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो हम आपको भी दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले भी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण की प्रगति से आम जनमानस और राम भक्तों को अवगत कराने के लिए फोटो और वीडियो जारी करता रहा है। आगामी वर्ष 2024 के जनवरी महीने में मकर संक्रांति के बाद भगवान रामलला के भव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस वीडियो में मंदिर की प्रगति दिख रही है, मंदिर का बाहरी हिस्सा दिख रहा है, मंदिर अंदर से कैसा बन रहा है ये भी नजर आ रहा है। कारीगर मंदिर के स्तंभों पर नक्काशी कर रहे हैं। अंदर से मंदिर का गलियारा दिख रहा है, मंदिर की छत नजर आ रही है। मंदिर निर्माण की प्रगति की बात करें तो बुनियाद भरने के बाद अभी तक ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य करीब 90% तक पूरा हो चुका है। मंदिर की दीवारें और परकोटे की दीवारें तैयार हो चुकी हैं। मंदिर की छत डालने का कार्य भी बहुत तेज गति से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर दिसंबर 2023 तक ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे। वहीं फर्स्ट फ्लोर और अन्य निर्माण का बचा हुआ कार्य वर्ष 2024 के दिसंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि 5 मंडपों के निर्माण में लगभग 160 स्तंभ लगे हैं। उनमें आइकनोग्राफी यानी चित्र और प्रतीक का काम पूरा किया जाना है। मंदिर के निचले हिस्से में भगवान राम से जुड़े प्रसंग होंगे। इसी तल पर बिजली और अन्य सुविधाओं को भी पूरा किया जाना है। ये सभी कार्य 30 दिसंबर 2023 तक पूरे कर लिए जाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया है कि वो कौन सी तारीख होगी जब राम भक्त अपने प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। भगवान स्थापित हो जाएंगे, श्रद्धालु का दर्शन उसके मंदिर में जिसकी वो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, अब वह अपने मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकेगा। यह कार्य 30 दिसंबर 2023 तक पूर्ण होने। राम मंदिर का निर्माण कार्य जिस तेजी से चल रहा है उससे यही उम्मीद है कि राम भक्तों का सपना अब साकार होने वाला है। हर राम भक्त बस अब अयोध्या चलने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।